नमस्कार पीयूष भाई, बड़ा बड़ा अच्छा लगा। एक तो मंत्री जी सबसे पहले जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। गुजरात की हालत तो अत्यारे सारी थी गई थी। जी जी जी, विथ योर विशेज अभी बहुत अच्छी हो रही है, काफी कंट्रोल में है। तो मंत्री जी, सबसे पहले मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने वक्त निकाला और समस्याओं सुनने के लिए हमको वक्त दिया। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ दो छोटे इश्यू पे आपसे बात करके मेरी बात खत्म कर दूंगा। एक तो माननीय मंत्री जी, देलवाड़ा जूनागढ़, वेरावल जूनागढ़ अमरेली, ऐसी बहुत सारी मीटर गेज की ट्रेनें चलती थी, कोरोना को चलते हुए वो बंद हुई है। ट्रैफिक भी है, दूसरा कोई रूट नहीं है, तो वो जल्द से फिर से ट्रेनें शुरू हो जाए, एक ये गुजारिश थी। दूसरी मेरी गुजारिश है आपसे कि वेरावल देलवाड़ा जूनागढ़ जी सौराष्ट्र गुजरात में, एंड द सेकेंड इज वेरावल जूनागढ़ अमरेली, वो भी गुजरात के सौराष्ट्र जोन में आता है। डीआरएम भावनगर एंड राजकोट आएंगे इसके अंदर। सर एक दूसरा छोटा सा इश्यू पर आपके ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी। गुजरात में हमारा अमरेली डिस्ट्रिक्ट में राजूला शहर है, वहां पे रेलवे का एक पहले नैरो गेज चलता था, वो लाइन बंद हो गई, वहां से पटरियां भी आपने हटा ली और दूसरा एक ट्रैक भी बन गया है। वो जो लैंड है, उस लैंड को वहां की म्युनिसिपालिटी लोकल बॉडीज है, उन्होंने कहा कि हमें मालिकाना हक नहीं चाहिए, हम इसको एनक्रोचमेंट हो रहा है तो ब्यूटिफिकेशन करके शहर में ठीक से रखेंगे। रेलवे का मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने इनको स्वीकारा, एक एमओयू किया कि जैसे भावनगर में 2004 में हुआ है, मालिकाना हक रेलवे का ही रहेगा, रेलवे को जब चाहिए वापस देना पड़ेगा, कॉमर्शियल यूज नहीं होगा। वो सारा एमओयू साइन हो गया दोनों साइड से। इसके बाद में इसके इम्प्लीमेंटेशन में रुकावट आने पे ऑल पार्टी वहां पे एजिटेशन कर रही है, सारी पार्टी मिलके, और लोकल विधायक 9 दिन से अनशन पे है, और रेल रोको का 24 तारीख से वो ऑल पार्टी जो कमिटी बनी है उन्होंने ऐलान किया है। तो मेरी गुजारिश है कि आप इंटरवीन कीजिए। मैंने विधायक जी को भी कहा है कि पॉलिटिक्स मत लाइए, जब खात्म मुहूर्त होगा, जब कोई प्रोग्राम होगा, तो बीजेपी के एमपी है, कांग्रेस के एमएलए है, दोनों साथ रहो और प्रोग्राम करो। और वो भी हाँ बोल रहे हैं, कांग्रेस के एमएलए कह रहे हैं कि मैं एक बीजेपी के एमपी साहब को भी बुलाऊंगा। पूरा लोकल बॉडी चाहता है, ऑल पार्टी वहां की, सभी पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है। आज 10 या 11 दिन हो गए अनशन वहां पे चल रहा है, और रेल रोको होगा तो वैसे भी कोरोना से लोग परेशान है, रेलें रोकी जाएगी तो, और गुड्स और खास करके आम का भी ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, और ये ऐलान पॉलिटिकल नहीं है, नॉन पॉलिटिकल कमिटी ने दिया हुआ है। सो अगर आप थोड़ा सा इंटरवीन करोगे तो मैं फिर उनको कह के वो अनशन खत्म हो आपके बयान पे, और फिर कोई रास्ता, क्योंकि एमओयू ऑलरेडी साइन हो चुका है और दोनों पार्टी से, तो ये हो जाए, इतनी मेरी एक गुजारिश है। धन्यवाद सर, थैंक यू। एक रिपोर्ट बंगाल के मुझे भेजो, क्या है ये अनशन और व्हाट इज द स्टोरी राजू लाइट शो, सेंड मी अ रिपोर्ट। मैं इसको सत्य सिंह जी देख के बताता हूँ आपको। आई अप्रिशिएट सर, आई अप्रिशिएट, राइट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो जो विषय है पाटिल, सबका रिस्पॉन्स जल्दी जाए।